Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सॉल्व करेंगे, दैट मींस पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट। ओके, सितंबर 2020 का थर्ड पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामयिक मूल्यांकन कसौटी। हिंदी का विषय आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी में बात करते हैं। समय आपका 1 आवर, दैट मींस 1 घंटा दिया है। अंक, दैट मींस टोटल मार्क्स आपके 25 होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन को, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। एंड इतना करने के बाद आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, देन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है। देखो, इस तरह से आपका पेपर दिखता है। पूरा पेपर अभी तुम्हें इस तरह से नहीं दिखा सकता, 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, आपके पास पेपर अवेलेबल होगा ही। तो प्रश्न 1 है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। आपको क्या करना है, जो शब्द दिए गए उनको उचित क्रम में, तो टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हो, पहला क्या लिखा है, प्राणी कुत्ता है वफादार, इसको सही क्रम में लिख के अर्थ जिसका बने ऐसा हमें लिखना है। गया पर एक दुकान व्यक्ति, विकास में उत्कृष्ट उन्हें भारत ने के किया प्रदान, स्वयं खुश मैंने होकर किया है मुक्ति से, बगीचे लड़के खेल में रहे। तो ठीक है, इसको आप उचित क्रम में हमने यहाँ पे लगाते हैं। आपका ये प्रश्न है पूरा 1 से 5 तक, प्रश्न 1 में। तो पहले का उत्तर आएगा यहाँ पे, देखो आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट आएगा, कुत्ता वफादार प्राणी है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कुत्ता वफादार प्राणी है, प्रश्न 1। इस प्रश्न 1 का उत्तर आ गया। प्रश्न देखो, प्रश्न 1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं हम, क्या आएगा। एक व्यक्ति दुकान पर गया, लिखा था गया पर एक दुकान व्यक्ति, उसका आंसर आ जाएगा एक व्यक्ति दुकान पर गया। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, विकास में उत्कृष्ट उन्हें भारत ने किया प्रदान, तो इसका उत्तर आएगा, उन्होंने भारत के विकास में उत्कृष्ट प्रदान किया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखा था मैंने स्वयं खुश होकर, मैंने होकर किया है मुक्ति से, तो आंसर आएगा मैंने स्वयं खुश होकर इसे मुक्त किया है। क्या होगा, मैंने स्वयं खुश होकर इसे मुक्त किया है। अब आगे है पांचवा, बगीचे लड़के खेल में हैं रहे, तो इसका क्या आएगा, बगीचे में लड़के खेल रहे हैं, तो क्या लिखोगे, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है लड़के, तो यहाँ पे देखो लड़के लिख देना, बच्चे लिख दिया हूँ। ओके, अगर यहाँ पे लड़के होता तो लड़के आता, बच्चे होता तो बच्चे। चलो देखो प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मतलब लिंग परिवर्तन करना, जैसे क्या होगा, मेल का फीमेल, लड़का का लड़की कर देना, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बना देना है। तो पहला आपका दिया गया है, एक लड़का दुकान पर गया, ठीक है, इसका क्या आएगा, एक लड़की दुकान पर गई, अभी उत्तर भी लिख के बताऊंगा। सेठ हक्का बक्का रह गया, तो सेठ का क्या हो जाएगा, सेठानी। घोड़ा का घोड़ी। देन धोबी कपड़े धो रहा है तो क्या हो जाएगा, धोबन। चाची बाजार जा रही है तो क्या हो जाएगा, चाचा। और उस हिसाब से हम उसके वाक्य को भी बदलेंगे, जैसे जा रही है क्या हो जाएगा, जा रहे हैं। आंसर देखो सभी का, उत्तर देखते हैं प्रश्न 2 का, 5 नंबर मिलने वाले हैं इसके आपके पूरे। एक लड़की दुकान पर गई, तो लड़का का लड़की कर दिया। आगे देखो, यहाँ पे देखो आप फुल स्टॉप लगा लेना, एक लड़की इस तरह से आप क्या करोगे, इधर फुल स्टॉप। ओके, फिर आगे क्या है, सेठ सेठानी हक्की बक्की रह गई, दूसरे का हो गया। तीसरा देखो, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, उसका घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका फुल स्टॉप। आगे धोबी कपड़े धो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका धोबन कपड़े धो रही है, धोबी का हो जाएगा, धोबन कपड़े धो रही है। ओके, 5वां नंबर, चाची बाजार जा रही है, तो चाची का क्या हो जाएगा, चाचा बाजार जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप लोग कर दोगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना एक, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 हो गया, मतलब 5 प्लस 5 टोटल कितने आ गए, 10 नंबर आ गए आपके, 10 मार्क्स आ गए। नाउ लेट वी, देखो ये गुजराती मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, स्टैंडर्ड जो भी मैं बना रहा हूँ, गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए पेपर है, ठीक है, सभी को इस तरह से करना है।
आगे प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पे जो भी वाक्य दिए गए हैं इसमें तुम्हें विराम चिन्ह लगाना है, जो भी चिन्ह चाहिए वो लगाना है अपने हिसाब। जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, दूसरा प्रश्न पूछा है वेदांत कलकत्ता चला गया, तीसरा पूछा है वह कैसा मनोहर दृश्य, आप क्या बनना चाहते हैं, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है, तो इसमें हम चिन्ह लगाते हैं। पहले का उत्तर आएगा, देखो राम के बाद एक हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, देन राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, गए के बाद फुल स्टॉप, वेदांत कलकत्ता चला गया, सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। तीसरा वाह, वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा, एंड कैसा मनोहर दृश्य, दृश्य के बाद क्वेश्चन मार्क, आप क्या बनना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में आ जाएगा। पांचवा, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे, ऐसा उन्होंने पूछा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर से प्रश्नार्थ, प्रश्न मार्क वाला, या फिर बोल सकते हो क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, प्रश्नार्थ। तो यहाँ पे 5+5+5 टोटल 15 नंबर मिल गए, दैट मीन्स 15 नंबर नाउ यू विल गेट एजली, ओके इजली। देन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपका दिया गया है, वाक्य शुद्ध रूप से लिखिए, अशुद्ध लिखा हुआ है मतलब गलत लिखा होगा कुछ, उसको शुद्ध करना है, आप कहाँ से आ रहे हैं, जिसको कैसे लिखोगे, आंसर देखो, आप कहाँ से आ रहे हैं इस तरह से, बराबर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ए चंद्रबिंदु आएगा इस तरह से वाह के ऊपर। आगे आगे का क्वेश्चन, लड़के खेल रहे हैं, तो इसको क्या लिखोगे तुम, सेम लड़के खेल रहे हैं, कोई वही नहीं है, ओके ये आपका उत्तर है प्रश्न चौथे का, ठीक है ये हो गया। देखो इसमें लिखा है कुंजदिन सब्जियां बेचती है, सब्जियां देखो इसमें सब्जियां कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से सब्जी बेचती है इस तरह से, कुंजदिन एक लड़की है या फिर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कुंजदिन सब्जी बेचती है, ठीक है। रिक्शा में दो आदमी बैठे हैं, आप किस क्या लिखोगे, रिक्शा में नहीं रिक्शे में, क्या आएगा, रिक्शे में दो आदमी बैठे हैं, इस तरह से लिखना है। आगे पांचवा है, आप मेरी और आ जाइए, और लिखा है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ, और आ जाइए, आप मेरी और आ जाइए, फिर इस तरह से हम वाक्य को शुद्ध कर देंगे। तो यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न पूरा होता है, 20 मार्क आप एकदम सही सही पा सकते हो। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 जो आपका लास्ट और अंतिम बोल सकते हैं प्रश्न है इस पेपर का। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, अगर आप गुजराती मीडियम में हो तो गुजराती में अनुवाद कर लेना, इंग्लिश मीडियम में है तो मैं इंग्लिश मीडियम का अनुवाद कर रहा हूँ, बाकी 1-4 तक गुजराती मीडियम का भी आंसर सेम रहेगा, पांचवा यही अलग होगा बस। तो ठीक है क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। आगे क्या लिखा है, भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि क्या थे, वो वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि क्या थे, व्यवस्थाओं के बावजूद कला शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं, अनुवाद देखते हैं, इस तरह से आएगा। पहला देखो यहाँ पे जो एक फुल स्टॉप तक, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैज डेडिकेटेड हिज होल लाइफ फॉर एंटायर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड इंडिया, उन्होंने भारत के लिए और साइंस के लिए विज्ञान के लिए क्या किया, अपना पूरा संपूर्ण जीवन लगा दिया। आगे भारत के विकास इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, तो इसका मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रहा हूँ। तो देखो, फॉर हिज स्पेशल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड इंडिया ही वॉज अवार्डेड विथ मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल, यहाँ पे ANS लिख गया है तो आप AND लिख देना, एंड इंटरनेशनल, ओके तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डी एंड आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो बाकी, वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला शिक्षा व समाज के पर्याप्त समय निकाल लेते थे, इसका उत्तर आएगा, ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट बट ऑल्सो डिस्पाइट ऑफ बिजी लाइफ ही स्पेयर हिज टाइम फॉर आर्ट एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होता है हिंदी का, कक्षा 7 का विषय आपका हिंदी था, ठीक है, सितंबर 2020 थर्ड पीरियडिकल असेसमेंट टेस्ट था आपका, 25 मार्क का अच्छे से पूरा हो जाता है। तो अब आप अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ अपने फैमिली में शेयर कर दीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच।